नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए बनाई गई प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में करीब 90 अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये लिखा गया है कि इन्होंने जानबूझकर गलती की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ IAS और IPS लापरवाह रहे। साथ में ये भी कहा गया है कि लापरवाह अफसरों की पहचान हो गई है और इन पर हरियाणा सरकार कार्रवाई करे। 71 दिनों की जांच में कमेटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 8 जिलों में हुई हिंसा और आगजनी के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, वहीं कुछ अफसरों को हिंसा के दौरान चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पुरस्कृत करने की भी सिफारिश की गई है। जाहिर है इसमें कोई संदेह नहीं कि कई जगह हमें अधिकारियों की भूमिका में संदेह हुआ कि कुछ जगह मतलब ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में इन दिक्कतों के बावजूद भी दिन रात एक करके दौड़ते रहे, भागते रहे, काम किया उन्होंने और बड़ी दुरूह परिस्थितियों का सामना किया। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब ये लगता है कि उन्होंने कह दिया ठीक है कुछ घंटे ही अपना करते रहो उसके बाद हम पहुंचेंगे, छोड़ दिया। और ये बात वहाँ के लोगों से ही हमको सुनाई पड़ी कि साहब ये लोग इन लोगों ने कुछ नहीं किया और कुछ इतने घंटे तक उन्होंने समय बताया इतने बजे से इतने बजे तक मतलब विध्वंस करने की लूटने की जो अराजक तत्व थे उनको छूट दी गई। तो ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है ख़ासतौर से और उनके बारे में हमने दंडात्मक संस्तुति कुछ नहीं की है। ये नहीं कहा है कि दे शुड बी डिसमिस्ड और दे शुड बी सस्पेंडेड। हमने अधिकारियों की जो गलतियां हैं वो हमने उजागर कर दी हैं और अभी सरकार के ऊपर है कि उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। इसमें जितने अधिकारी हुए हैं मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि करीब 90 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमने टिप्पणी की है और इसमें 90 में एक तिहाई रोहतक में ही है, जहाँ के जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अराजकता हुई, सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई, तो एक तिहाई अधिकारी तो वहीं के हैं। अब इनके खिलाफ मैं समझता हूँ सरकार, अभी मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, मुझे पूरी प्रतिबद्धता लगती है कि वो लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देंगे। जो मुझे संकेत मिला है कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन टेकन रिपोर्ट अपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक सही संदेश नहीं जाएगा कि कल को अगर कोई और चुनौती हो तो फिर अगर इतना सब करने के बाद भी बच जाएंगे तो फिर उसी तरह की हरकत होगी। कुलबीर दीवान हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हैं और जानकारी देने के लिए। कुलबीर, ये बात पहले भी सामने आई है कि ठीक तरह से इन दंगों को हैंडल नहीं किया गया, इसीलिए इतने बड़े, और यही उनकी रिपोर्ट में भी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है नंदिता, क्योंकि 70 दिन जो है इस कमेटी को लगे हैं ये रिपोर्ट बनाने में, और जहां तक प्रकाश सिंह जो इसके अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि करीब 2200 जो है लोग और अधिकारी जो है उन्होंने 1-to-1 उनके साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट इसमें किया है और काफी गहनता से जाँच की है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि प्रशासनिक अमला जो है वो फेल रहा है, और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है नंदिता, इसमें इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट से ऊपर तक के अधिकारियों को रखा गया है, और खास बात ये है कि जो 90 अधिकारियों पर टिप्पणी की है कमेटी ने, उनमें सबसे ज्यादा रोहतक में है, क्योंकि रोहतक में ही जाट आंदोलन का काफी ज्यादा असर देखने को मिला था। जी चलिए, शुक्रिया कुलबीर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। IAS IPS अफसरों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, किसी राजनेता का नाम शामिल नहीं किया गया है, इस जांच में उन्हें शामिल नहीं किया गया था।